कम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओट मील कुकीज एगलेस। तो ये बहुत 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 सिंपल है, बिल्कुल भी ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बेक कर रहे हैं हम कुकीज़। और ये अवन में भी हो सकता है और गैस पे भी हो सकता है, वो मैं आपको थोड़ा टाइम बाद दिखाऊंगी। बेकिंग का एक बहुत सिंपल रूल होता है कि आप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलो। अगर एक कप लिखा है तो एक कप ही यूज़ करना, ठीक है। अगर हाँ आपको ज़्यादा बनाना है तो वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट कीप द रेसिपी एज इट इज़। अगर आपने ये कर लिया ना, ट्रस्ट मी बहुत 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 टेस्टी बनेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे हमारा बटर। मैंने भी ना ये जो बेकिंग है ये लॉकडाउन में ही सीखी थी। पहली बार जब बेकिंग की तो बहुत डर लगा, दूसरी बार जब की तो थोड़ा इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, और फिर तीसरी बार मैंने बोला हाँ यार पता लग गया है कि दो तीन रूल्स होते हैं, बस वो फॉलो करना है। अगर वो कर लिया तो फिर आपकी डिश अच्छी बनेगी बनेगी। तो बटर ले लिया, अब हमने ले लिया है चीनी, वाइट चीनी, और दिस इज ब्राउन शुगर। तो अब हम इसे बिस्क करेंगे। अब अगर आपके पास ये नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर पे फोक होगा, फोक के साथ भी आप ये कर सकते हैं। बस ये अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फ्लावर, जो है मैदा। मिक्स इट अगेन। अब इसमें जाएगा दूध और इसको एक बार वापस मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें जाएगा हमारा सिनेमन। मुझे ना सिनेमन पाउडर या सिनेमन बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली विंटर के टाइम पे सिनेमन की कोई भी चीज़ अच्छी लगती है खाने के लिए। ये है नमक, बेकिंग सोडा डाल लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स ऐड आर ओट्स। देखो ये थोड़ा सा ओट्स आपके फाइबर के लिए अच्छा है ना। लेट्स मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। ये ना मेरे दिवाली बॉक्स में था, ये वाली जो ओटमील कुकीज़ है, और सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा वनीला एसेंस, रेजिंस, चॉकलेट चिप, मिक्स 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 मिक्स। अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे स्कूप आउट करेंगे। बस एक अच्छा सा टैप कर दो क्योंकि ये एक्सपैंड भी होगा अभी और ये बढ़ जाएगा ऐसे। ऑल्सो यूज अ स्पून। वेट, स्पून से भी दिखा देते हैं। ये लिया, ये रखा और ये बन गया।
हमने अपनी सारी कुकीज़ अच्छे से प्लेस कर दी हैं। अब हम ये अवन में डालेंगे। मैंने अवन को प्रीहीट कर दिया था फॉर अबाउट 20 मिनट्स 180 डिग्रीज़ पे, और अब हम अपनी कुकीज़ अवन में डालेंगे फॉर 8 to 9 मिनट्स। ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रखनी है, नहीं तो पूरी जल जाएंगी। ओके अगर आपके पास अवन नहीं है, इट्स ओके। मैं आपको अपना अवन दिखाती हूँ, आप कैसे बना सकते हैं गैस के लिए। तो ये आप एक कोई भी कढ़ाई लीजिए, इस पे आप नमक लीजिए, बहुत सारा नमक लीजिए। अब इसके लिए आप इतना एटलीस्ट यहाँ तक आपका नमक होना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ लीजिए, उस पे रखिए ताकि आपको एक हाइट मिल जाए। फिर आप अपना कुछ भी, जो भी आप बेक करना चाहते हैं, कुकीज़ हो गई या आपकी ब्राउनी हो गई, केक हो गई, पिज़्ज़ाज़ हो गया, ब्रेड हो गया, आप पहले से वार्म कीजिए, ढक के आराम से आधा पौना घंटा रख दीजिए, उसे अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए। दैट इज़ योर प्री हीटिंग। ये आपका हो गया अवन, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, इसे खोला, अपनी डिश डाली, जो भी आप बेक करना चाहते हैं बंद कर दिया। जितना टाइम आपको अवन में लगता है बेक करने के लिए, उतना ही टाइम आपको इसमें लगेगा। जैसे हम फार्म पे जाते हैं, हमारे फार्म पे अवन नहीं है अभी तक, तो हम अपने जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं या ब्रेड्स होती हैं, हम ऐसे ही, थोड़ी बड़ी होती है कढ़ाई, उसमें बनाते हैं। तो आप ये प्लीज़ ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आई नीड टू नो कमेंट सेक्शन पे। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है नॉट टू ट्राई दिस, ठीक है? हमने अपनी कुकीज़ अवन से निकाल दी हैं। जब भी आप अपनी कुकीज़ अवन से निकालेंगे, वो थोड़ी सॉफ्ट होंगी, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसे कूल डाउन होने का टाइम दें। एक बार कूल डाउन हो गई, फिर आप उसे ट्राई कीजिए। लेट्स सी। मुझे जैसे अच्छी लगती है ना, ये बिल्कुल वैसी है। इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस टू इट एंड क्रंचीनेस टू इट। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ व्लॉग।